तो हाय एवरीवन, कैसे आप सभी। तो गाइस फाइनली एसबीआई आईपीओ डे वन की अब सारी शिफ्ट कंप्लीट हो चुकी है। अब एक बहुत डिटेल्ड एनालिसिस अब हम तैयार हैं, ठीक है। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई ओवरऑल एग्जाम का क्या लेवल था। भाई अगर ओवरऑल एग्जाम की बात करें तो भाई क्वांट आज थोड़ा ज्यादा मुश्किल आ गया, ठीक है। अब देखो अगर आईबीपीएस पीओ से कंपेयर करें तो एसबीआई पीओ आईबीपीएस के कंपैरिजन में तो इजी आया, ठीक है भाई। वो बहुत ज्यादा मुश्किल आया था, उसका क्वांट बहुत ज्यादा मुश्किल था भाई। वहां पे तो बच्चों से 7-8 क्वेश्चन बन रहे थे, यहाँ पे उतना मुश्किल नहीं था। बट हाँ कंपैरेटिवली मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल का क्वांट यहाँ पे पूछा गया। क्वांट में अगर बात करें तो भाई एक एवरेज स्टूडेंट है मोटा मोटा 15-16 की रेंज से उठा के भाई 18-19-19-20 की रेंज तक क्वेश्चंस करें, ठीक है। क्वांट मतलब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड साइड पे आया था। जो आपका नंबर सीरीज आए थे वो बहुत ज्यादा मुश्किल आए थे, मिसिंग वाले भी मुश्किल थे, रॉन्ग वाले भी मुश्किल थे। इसके अलावा आपका जो डीआई था वो बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव था, अलग अलग क्वेश्चंस में अलग अलग कैलकुलेशंस करने पड़ रहे थे और अरिथमेटिक क्वेश्चंस लेंदी बहुत ज्यादा थे। मतलब लिटरली ऐसे लेंदी बच्चों ने बताया कि भैया एक एक क्वेश्चन को बनाने में एक एक डेढ़ डेढ़ मिनट लग रहा था। तो वहां पे टाइम टेकिंग बहुत ज्यादा चीजें हो रही थी और इसी वजह से क्वांट में बच्चों के नंबर ऑफ अटेम्प्ट कम हो गए। मतलब स्टूडेंट्स ने वहां पे ये भी बोला कि भैया अगर हमारे पास अनलिमिटेड टाइम होता ना, हम क्वांट के सारे क्वेश्चन बना के आ जाते, या अगर भैया 10-15 मिनट में मिलते ना भैया और नंबर बढ़ जाते। बिकॉज क्वेश्चन बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं थे, लेंदी थे। मतलब ऐसा नहीं बोलेंगे पेपर बहुत ज्यादा मुश्किल था या बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था, नहीं, पेपर कैलकुलेटिव था और लेंदी था। और इसी वजह से क्वांट में स्टूडेंट्स के नंबर ऑफ अटेम्प्ट ड्रॉप हो गए और वही 15-16 से 19-20 इस रेंज में मैक्सिमम स्टूडेंट, एक एवरेज स्टूडेंट इस रेंज में क्वेश्चन करके आए, ठीक है। अब सेकंड बात कर लेते हैं रीजनिंग की। भाई रीजनिंग आपका आया मॉडरेट लेवल का, मतलब बहुत ज्यादा मुश्किल भी नहीं था, बहुत ज्यादा इजी भी नहीं था। जनरली जो रीजनिंग में स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही है भाई ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस में, बिकॉज मैक्सिमम स्टूडेंट यहाँ पे ये बोल रहे हैं मुझे लगा था कि भैया ब्लड रिलेशन के रॉन्ग क्वेश्चन आए थे। तो भाई सबसे पहले मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि क्या आपको भी ऐसा लगता है, बिकॉज एक क्वेश्चन शिफ्ट सेकंड का था जहाँ पे स्टूडेंट को डाउट हो रहा है कि उसका आंसर मदर था या मदर इन लॉ था, तो बहुत सारे स्टूडेंट सीएनडी वाला आंसर मार्क करके आ गए। ऐसे सेम शिफ्ट थ्री में भी हो रहा है जहाँ पे जो फैमिली ट्री बन रहा है उसमें सीएनडी वाले आंसर मार्क करके आए, बिकॉज उसका ऑप्शन बच्चों को समझ नहीं आ रहा क्या होगा। तो मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि क्या आपको भी ब्लड रिलेशन में प्रॉब्लम आई रीजनिंग में या नहीं। इसके अलावा रीजनिंग में जो मेन इशू आया बच्चों को वो पेंटर वाले कलर वाले जो पजल्स आए थे आपके, 9 फ्लोर वाले पजल्स आए थे आपके, मतलब उसमें बच्चे एक्चुअली में फंसे हैं। और मैं आपको रीजनिंग में बिल्कुल फैक्ट बता रहा हूँ भाई, अगर आपने सही समय पे पजल छोड़ के अगली पजल पे आप मूव कर गए तब तो आपका पेपर जम गया होगा। बट अगर आप किसी होता ना ईगो पे आ गए, या अगर आपने किसी पजल में 3-4-5 मिनट दे दिए, अब आपको लगा मैं इतना समय दे चुका हूँ 1-2 मिनट और दे देता हूँ भाई, उसकी वजह से रीजनिंग का पेपर आपका जरूर बिगड़ा होगा। बिकॉज देखो अगर एवरेज स्टूडेंट की बात करें तो भाई रीजनिंग में स्टूडेंट ने अराउंड 20 क्वेश्चंस बनाए, ठीक है भाई, किसी ने 20-25 तक बनाया, किसी ने 16-17-18-19-20, पर एवरेज 20 ही मान के चल रहा हूँ, बिकॉज 20 से कम वाले स्टूडेंट कम है पर 20 से ज्यादा वाले स्टूडेंट ज्यादा, ठीक है, एवरेज स्टूडेंट की बात करते हैं। बट अगर आप रीजनिंग में पजल्स में उलझ के रह गए, अगर आपने सही समय में पजल नहीं छोड़ी, तो मैंने वो बच्चे भी देखे जो 12-13-14 क्वेश्चन करके आए। तो भाई यहाँ पे देखो क्लियर माइंड फैक्ट मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको शांत होकर जाना है, बस ईगो पे नहीं लेना सबसे पहले भाई। अगर ईगो पे ले लिया होगा किसी पजल को, नहीं आपको मैं 4 मिनट दे दिया अब तो बना के रहूंगा, तो भाई वहां पे जो आपका 9 फ्लोर वाला पजल था, आपका पेंटर वाला पजल आया, आपका कलर वाला पजल आया, भाई वहां पे बच्चे उलझे हैं भाई, जिन्होंने सही समय पे छोड़ दिया उनके नंबर ऑफ अटेम्प्ट 20 से ज्यादा हो गए, नहीं तो 20 के कम अटेम्प्ट। और फाइनली अगर इंग्लिश की बात करें तो भाई आज उतने आज हमारी जो इज्जत बचाई है वो इंग्लिश में बचाई, बिकॉज एग्जैक्टली बच्चों ने जैसा बताया कि भैया पेपर बहुत ईजी है। अब इजी इंग्लिश में ना मुझे कभी ना एकदम वो भरोसा सा नहीं होता, क्यों, बिकॉज भाई इंग्लिश में आप मान के चलो भाई मैक्सिमम बच्चे जो मुझे आज मिल रहे हैं 25+ बोल रहे हैं, 25+ इंग्लिश में। कई सारे बच्चे वो भी हैं जो 30 बोल रहे हैं, 30 out of 30। भाई देखो इंग्लिश में चाहे तो 25 करके आ जाओ, तुम 30 करके आ जाओ, एक्यूरेसी तुम्हारे हाथ में नहीं होती, बिकॉज वहां पे वर्ड स्क्वायर वाले क्वेश्चन आ गए थे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में जो आपका वोकैब वाले क्वेश्चन आ गए थे, इसके अलावा जो ऊपर वर्ड दिया था नीचे सेंटेंसेस दिए थे कि राइट यूसेज क्या है वो वाले क्वेश्चन आ गए थे। मैं मान के चलता हूँ आपने अच्छे से करे होंगे, पर फिर भी इंग्लिश में एक्यूरेसी 100% रखना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, ठीक है। तो इस वजह से मतलब ओवरऑल बताए हम तो भाई इंग्लिश में भी एक एवरेज स्टूडेंट ने अराउंड 20 क्वेश्चंस करे हैं, रीजनिंग में भी अराउंड 20 करें, और आपका क्वांट लगा लो 15-16 से लेके 19-20 इस रेंज में क्वेश्चन करें, ठीक है। अब ओवरऑल शिफ्ट की बात कर लेते हैं भाई, शिफ्ट वाइज हमारा क्या एनालिसिस है इस बार के पेपर का, ठीक है। अब देखो अगर शिफ्ट वाइज बात करें ना, सबसे मुश्किल शिफ्ट जो आज आई है वो आई है आपकी शिफ्ट थ्री। भाई शिफ्ट थ्री आपकी सबसे मुश्किल थी, कॉम्प्लिकेटेड थी, सबसे कम अटेम्प्ट स्टूडेंट ने शिफ्ट थ्री में करे। इसके बाद जो बात करें शिफ्ट फोर थोड़ी मुश्किल आई। इसके बाद बात करें तो शिफ्ट टू, एक्चुअली शिफ्ट टू और शिफ्ट फोर बिल्कुल बराबर के ही लेवल के थे ऑलमोस्ट, और शिफ्ट वन थोड़ा ज्यादा इजी है बिकॉज वहां पे सबसे पहला शिफ्ट था। तो जनरली होता भी है कि भाई सबसे पहला शिफ्ट थोड़ा ज्यादा इजी आता है। मतलब मोटा मोटा बात करें तो शिफ्ट थ्री आज के पेपर का सबसे मुश्किल था, फिर शिफ्ट टू, शिफ्ट फोर और फाइनली शिफ्ट वन। अगर शिफ्ट वाइज एवरेज अटेम्प्ट की बात करें तो भाई शिफ्ट वन में एवरेज अटेम्प्ट बच्चों के अराउंड रहे हैं 60-65 आप मान लो एक एवरेज स्टूडेंट के अटेम्प्ट रहे हैं इन शिफ्ट वन।
शिफ्ट टू की बात करो तो ये थोड़े से कम हो गए आपके 57 से लेके 62, इस रेंज में आ गए शिफ्ट फोर और शिफ्ट टू, ये दोनों में। और वहीं अगर शिफ्ट थ्री की बात करें तो यहाँ पे थोड़े और कम हो गए 55 से लेके 60 या 59, इस रेंज में यहाँ पे शिफ्ट थ्री में आपके अटेम्प्ट रहे, ठीक है। तो भाई ओवरऑल बात करें तो अटेम्प्ट बहुत ज्यादा नहीं है भाई, ऐसा नहीं है कि 70 प्लस वाले बच्चे ज्यादा है, देखो 70 प्लस वाले 80 प्लस वाले भी स्टूडेंट अभी आपको मिलेंगे, बट उनकी एक्यूरेसी कम होती है। और जनरली जो आज 80 प्लस 90 प्लस वाले दिखते हैं वो एग्जामिनेशन के रिजल्ट वाले दिन नहीं दिखते, वो होते हैं वो बरसात के मेंढक की तरह होते हैं, जो आज तो उछलते हैं पर बाद में जाके बिल्कुल शांत हो जाते हैं। अब देखो अगर कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ अभी से प्रेडिक्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, बिकॉज अभी डे वन हुआ है, हो सकता है भाई डे टू और डे थ्री में जो डिफिकल्टी लेवल है वो इंक्रीज हो जाए, बिकॉज देखो नॉर्मलाइजेशन तो 100% होने वाला है भाई, नॉर्मलाइजेशन 100% होने वाला है। और शिफ्ट वन जो आज डे वन का है भाई, हो सकता है अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी नहीं है या आपके अटेम्प्ट्स कम है तो आपके नंबर थोड़े तो ड्रॉप होंगे, वहीं शिफ्ट थ्री में थोड़े नंबर आपके इंक्रीज हो सकते हैं। बट भाई अगर डे वन के हिसाब से बात करें कि भाई डे वन के हिसाब से हमारा कट ऑफ क्या रह सकता है, तो भाई मुझे ऐसा लगता है 60 से 65 इस रेंज में कट ऑफ जाना चाहिए। बिकॉज देखो सेंटर पे आप लोगों ने भी देखा होगा कि इस बार ना भीड़ कम थी, बिकॉज बच्चे या तो आईबीपीएस में मेंस में लगे हुए हैं या आरआरबी के इंटरव्यू में लगे हुए हैं, तो थोड़े स्टूडेंट भी कम अटेम्प्ट कर रहे हैं पेपर, इसके साथ पेपर बहुत ज्यादा इजी भी नहीं आया, तो हम अटेम्प्ट ऐसा नहीं बोल सकता मैं कि जो आपका कट ऑफ है 55 चला जाएगा या 57 चला जाएगा। मुझे जेन्युइनली लग रहा है कि 60 प्लस कट ऑफ जाने के चांसेस ज्यादा है। बाकी अभी डे टू बचा है, डे थ्री बचा है, हो सकता है पेपर मुश्किल आया तो कट ऑफ कम भी जा सकता है, या नॉर्मलाइजेशन की वजह से हो सकता है आप लोगों के नंबर बढ़ जाए। बट डे वन के हिसाब से बात करें तो 60-65 इस रेंज में अगर आपके अटेम्प्ट है तो मेंस की तैयारी आप लोग चालू कर दो। 65 से जितने ज्यादा अटेम्प्ट है आपकी, जितनी ज्यादा एक्यूरेसी है, उतने चांसेस आप लोगों के और ज्यादा बनते जाएंगे। तो आप लोग नीचे कमेंट करके बताइए कि आप लोगों के शिफ्ट वाइज कितने अटेम्प्ट है, सेक्शन वाइज और शिफ्ट वाइज आप लोगों के कितने अटेम्प्ट है, और आपको क्या लगता है कि भाई आप लोग कितनी एक्यूरेसी के साथ पेपर करके आए। और कोशिश करते हैं कि नीचे का जो कमेंट सेक्शन है उसको एक पोल सेक्शन की तरह कन्वर्ट करने की कोशिश करें, जितने जितने ज्यादा कमेंट होंगे उतने ज्यादा हमें और क्लैरिटी मिलेगी भाई कट ऑफ कितना जा सकता है। तो किसी तरह बने रहिए दाल पर मैंगो चैनल के साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।